पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल सभागार में हुई बैठक बैठक की अध्यक्षता प्रमुख पिंकी देवी ने की। बैठक में प्रमुख रूप से सभी सदस्यों ने एक स्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मांग की। सदस्य अजय बैठा ने सभी पंचायत के सभी सदस्यों ने शवदाह गृह बनाने की मांग की। वही उक्त बैठक में विधायक प्रतिनिधि अशोक सिंह ने अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने की मांग की। उन्होंने कहा कि कुछ पंचायत समिति मुखिया नए हैं लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी नए नहीं है। इस तरह की मीटिंग अनेकों बार की जा चुकी है। सभी अधिकारी के पास सूचना देने के बाद भी इस बैठक में अनुपस्थित रहे। इस पर अच्छा नहीं लगा। बैठक का हमारे जो नए हैं उनके लिए नए हैं लेकिन आपके लिए है। ऐसे हॉस्पिटल बगल में है, हॉस्पिटल प्रभारी है उसका कोई भी पदाधिकारी ध्यान नहीं आया। बिजली विभाग पूरे गांव में चल रहा है, हर पंचायत में जा रहा है, सारी कठिनाइयां बिजली का है। हमारा समिति सदस्य माननीय मुखिया जी इससे सवाल कर सकते हैं। इसलिए टाइमली और जो भी पदाधिकारी सुन रहे हैं और हमारे प्रमुख जी नए हैं, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बात आगे तो लिखा पड़े में जाने की जरूरत नहीं पड़े। बोर्ड बोर्ड होता है, बोर्ड में सारे पदाधिकारी को बैठने का है, पीएचडी को बैठना है, आंगनबाड़ी हमारे सुनील जी बैठे हैं। आगे क्या क्या विशेष बात हुई? सबसे पहले तो सचिवालय पे बातें हुई और साफ सफाई ब्लॉक के मंडल जो है उसका साफ सफाई पे बातें हुई और शिक्षा पे बातें हुई। आवाज ये भी उठा है कि यहाँ जो है बहुत सारे काम जो पेंडिंग पड़े हुए हैं किस प्रकार से होगा? वो सारे काम होंगे। एक समिति बोले हैं कि नाला कुछ दूर तक बना है, कुछ दूर तक नहीं, वो भी बनेंगे और जितने भी कार्य हैं वो सब कोई भी कार्य नहीं। सारे लोग मोतिहारी से प्रदीप कुमार यादव की रिपोर्ट।